फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा कुर्ग का इतिहास, कुछ दूसरे जरूरी डिटेल्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के नाम। इस सेकंड पार्ट पे हम जानेंगे इन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के डिटेल्स और कुछ एक्सपीरियंसेस भी। अबे फॉल्स। मडिकेरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अबे फॉल्स है। यह एक निजी कॉफी बागान के अंदर स्थित झरना है। यह कावेरी नदी के अर्ली रीचेस का हिस्सा है। मानसून मौसम के दौरान प्रवाह बहुत अधिक होती है। घने जंगल और कॉफी बागान के बीच में 30 से 40 फुट की ऊंचाई से यह झरना गिरता है। इस फॉल को पहले जेसी फॉल कहा जाता था, जिसका नाम एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के नाम पर रखा गया था। हालांकि उस समय यह स्थान घने जंगलों वाला क्षेत्र था। वर्षों बाद फॉल की खोज श्री नेरवंदा बी नैनियाह ने की, जिन्होंने सरकार से यह जगह खरीदी और इसे आज कॉफी और मसालों के बागान में परिवर्तित कर दिया, जो आज इस फॉल को घेरे हुए है। तल कावेरी। कोडुगु जिले और केरल के वायनाड जिले के बीच की सीमा पर 5,275 फीट की ऊंचाई पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में एक पर्वत श्रृंखला है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला। कावेरी नदी यहीं से निकलती है। यहां से ये नदी आती है तल कावेरी। तल कावेरी से आगे बढ़ने के बाद लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए तमिलनाडु से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी, जो तमिलनाडु को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में डिवाइड करती है। मठ का पूरा नाम थेगछोग नामड्रोल दार्जिलिंग है, जिसे नामड्रोलिंग मठ कहा जाता है। यह मठ पद्म नोरबू रिनपोछे द्वारा 1963 में स्थापित किया गया एक बौद्ध सांप्रदायिक शिक्षा केंद्र है, जो विश्व के तिब्बती बौद्ध धर्म के अंतर्गत निंगमा संप्रदाय के सबसे बड़े शिक्षण संस्थाओं में से एक है। यह हजारों बौद्ध छात्रों के लिए हॉस्टल, एजुकेशन सेंटर, लाइब्रेरी, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिटेशन सेंटर आदि की सुविधा प्रदान करता है। नामड्रोलिंग मठ वार्षिक रूप से कई समारोहों की मेजबानी करता है, विशेष रूप से चंद्र कैलेंडर पर आधारित तिब्बती नववर्ष लोसार, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में होता है। मठ पारंपरिक लामा नृत्य की मेजबानी करता है। इसके भवनों के किनारे पर लटकने वाले थांका कॉटन या रेशम के कपड़े पर एक तिब्बती बौद्ध चित्र है, जिस पर आमतौर पर एक बौद्ध देवता की पेंटिंग होती है। इस प्रसिद्ध मठ की दीवारों पर सजे हुए चित्रों में गोल्ड की पॉलिश के कारण इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह तिब्बती मठ देवताओं, राक्षसों और बुद्ध के जीवन के कुछ चरणों को दर्शाते चित्रों का घर है, जो कुर्ग में जाने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। मंडलपट्टी व्यू पॉइंट। यह व्यू पॉइंट समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर ऊपर है, यानी लगभग 4050 फीट की ऊंचाई पर। मंडलपट्टी कर्नाटक के मडिकेरी शहर से 18 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी है और यह पुष्पगिरी आरक्षित वन का एक हिस्सा है। रास्ता बहुत ही खराब है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल से तो कभी ना जाएं, रेंटल जीप मिलती है, वही लें। स्पाइनल डिजीज वाले ओल्ड पर्सन बिल्कुल भी ना जाएं। डुबारे एलिफेंट कैंप। कुशाल नगर सिद्धपुर मार्ग पर कावेरी नदी के तट पर डुबारे जंगल के किनारे वन विभाग का एक हाथी पकड़ने और प्रशिक्षण देने का शिविर है। कावेरी नदी के किनारे के छोटे से एरिया में हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हाथियों के झुंड दिन के दौरान विभिन्न कामों में भाग लेते हैं। और सुबह में वे स्नान करने के लिए नदी में उतरते हैं। उनके महावतों के द्वारा उनकी साफ सफाई की जाती है। कभी कभी महावत शिविर के भीतर हाथी की सवारी भी कराते हैं। सुबह में सभी हाथियों को
रागी और गुड़ से बने तोप के गोलों के साइज का लड्डुओं का एक विशेष आहार दिया जाता है। यदि आप जल्दी पहुंचते हैं तो आप हाथी को स्नान करने के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पार्क में प्रवेश करने का शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपया है और हाथी को स्नान कराने के लिए 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज है। दोबारे एलिफेंट कैंप में जाने के लिए आपको मोटर बोट या पानी के छोटे लगून को पार करना होगा, या फिर पानी की राफ्टिंग, या किसी चट्टान के रास्ते पर एक छोटे से ट्रैक चलना होगा। यदि आप अपने पैरों को गीला करने से गुरेज नहीं करते हैं तो पथरीला रास्ता मज़ेदार है और ख़तरनाक भी नहीं है। राजा की सीट। मडिकेरी शहर का यह एक बेहतरीन गार्डन है जहां कोडागु राजा अपनी शाम बिताया करते थे। इसे राजा की सीट के नाम से जाना जाता है। इस जगह से डूबते सूरज का दृश्य यहां आने वाले हर पर्यटक को कुछ पल बिताने के लिए बाध्य करता है। उद्यान, पार्क और आसपास के माउंटेन रेंज के लुभावने दृश्य के कारण यह जगह हमेशा पर्यटकों में मशहूर है। रिपू फॉल्स ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित एक मीठे पानी का झरना है। यह एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। ओमकारेश्वर मंदिर, जिसे 1820 में लिंग राजा ने बनवाया था। यह मंदिर गोथिक और इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में खूबसूरत पानी का टैंक है जिसमें कई प्रकार की मछलियां भी हैं। मडिकेरी फोर्ट, इस किले का इतिहास हमें 17th सेंचुरी में वापस ले जाएगा, जब यह मडु राजा द्वारा मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया था। 1790 में डोडावीरा राजेंद्र ने किले पर अधिकार जमा लिया। टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में यहाँ कुछ समय के लिए शासन किया। महल का नवीनीकरण 1812 से 1840 तक लिंग राजेंद्र द्वितीय ने किया था। ईंट और ग्रेनाइट से इसे फिर से बनाया गया। किले के अंदर लिंगायत शासकों का महल है। प्रवेश द्वार पर उत्तर पूर्व कोने में दो आदमकद ग्रेनाइट के हाथी बने हुए हैं। 1834 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और एक चर्च भी है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर मौजूद है। ब्रह्मगिरी ट्रैक, कुर्ग में आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग की बेहतर सुविधा है। कुछ मशहूर ट्रैकिंग स्पॉट्स भी हैं जैसे ब्रह्मगिरी पहाड़ और पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कुर्ग का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। गोल्फ प्रेमियों के लिए कुर्ग बेहतर जगह है। अक्टूबर से लेकर मई तक यहाँ फिशिंग और पानी के खेल का भी आनंद लिया जा सकता है। कुर्ग में बेहतर भोजन के साथ अच्छी शॉपिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। कॉफ़ी, शहद, पाइनएप्पल, पापड़, इलायची, मसाले और संतरे कुर्ग की खास चीज़ें हैं। इनके स्वाद और जगहों से बेहतर हैं। यहाँ के त्यौहार और मेले विख्यात हैं। कुर्ग आने वाले पर्यटक भी इन विभिन्न त्यौहारों जैसे फेस्टिवल ऑफ आर्म्स, काईपोल्डू और पुथारी का आनंद लेते हैं। तड़िया मंडल पीक, कुर्ग में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तड़िया मंडल 1748 मीटर की ऊंचाई पर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स में से एक है। इसके आकर्षण का कारण वनस्पति और जीवों की विविधता है। यह कई जानवरों की स्पीसीज के अलावा पक्षियों की 270 से अधिक स्पीसीज का घर है। नागरहोल का कन्नड़ में अर्थ है नाग नदी, लेकिन इस स्थान पर बहुत सारे सांप नहीं हैं। यह पार्क एंशियंट राजाओं द्वारा उनके शिकार के लिए बनाया गया था। नागरहोल विभिन्न वन्य जीवों जैसे टाइगर, एलिफेंट और कई अन्य जानवरों जैसे ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, इंडियन बाइसन, सांबर डियर, चीतल, क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड ओटर, ऑस्प्रे, ग्रे लंगूर, मालाबार ट्रोगन, पर्पल हेरोन, ओरिएंटल डार्टर, स्ट्राइप नेक्ड मोंगूज आदि जीवों के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। यहाँ वाइल्ड डॉग भी पाए जाते हैं। इस पार्क के अंदर पर्यटकों के रहने की व्यवस्था की गई है, इससे यह एक तरह का पिकनिक स्पॉट भी बन गया है।
ब्रह्मगिरी से निकलकर कावेरी नदी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक जगह पर आकर डेल्टा बनाती है, जिसे हम निसर्ग धाम के नाम से जानते हैं और जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा आइलैंड कहा जाता है, जबकि यह है एक डेल्टा। इस 64 एकड़ के डेल्टा में बांस के पेड़, चंदन के पेड़ और टीक यानी सागवान के पेड़ हैं। टिकट लेकर जैसे ही आप निसर्ग धाम के अंदर आते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी आइलैंड पर जा रहे हैं। इसके लिए आपको वहाँ एक ब्रिज क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह ब्रिज कावेरी नदी के ऊपर लोहे और लकड़ी से बना हुआ है। शांत गति से कावेरी नदी उस ब्रिज के नीचे से गुजर रही होती है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आप अपने आप को एक बड़े से पार्क में पाते हैं। उस पार्क में कुर्ग के कुछ पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग ग्रुप में डांस करते हुए और वहां की जीवन की झांकी दिखाते हुए कुछ मूर्तियां हैं। इन्हें देखते देखते आप आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी सी जाली दिखेगी, जिसके अंदर दिखेंगे कुछ चीतल, हिरन। थोड़ा और आगे जाएंगे तो नदी की कलकल आपको और तेज सुनाई पड़ने लगेगी। पुल के नीचे जो आपने कावेरी नदी देखी थी, वह यहाँ से आगे की ओर धीरे धीरे जाती दिखेगी। आप वहाँ पानी में पत्थर के ऊपर खड़े होकर पानी का स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। कोई खतरा नहीं है। आशा है यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा।